क्वेश्चन में हमें तीन डेसिमल एक्सटेंशंस दिए हुए हैं और ये डेसिमल एक्सटेंशंस बार फॉर्म में है, यानी कि डेसिमल एक्सटेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में है। और हमसे कहा गया है कि हमने इन डेसिमल एक्सटेंशंस को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाना है, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी डेसिमल एक्सटेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में होता है, यानी कि जो भी डेसिमल एक्सटेंशंस ऐसा हो जिस पर कि बार लगा हो, ऐसे डेसिमल एक्सटेंशंस रैशनल नंबर्स होते हैं और हम इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। और यहां पर जो ये तीन डेसिमल एक्सटेंशंस हमको दिए गए हैं, ये भी बार फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में है, इसलिए हम इन्हें भी रैशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 0.6 बार को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाना है, तो हम 0.6 बार को यहां पर x सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब यहां पर पॉइंट के बाद में 6 पर बार लगा हुआ है, तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 6 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, तब हमारा x हो जाएगा 0.666 एंड सो ऑन। अब यहां पर पॉइंट के बाद में बार वाला नंबर है और हमने बार को रिमूव करके पॉइंट के बाद उस नंबर को यहां पर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेड दिखा दिया है। पॉइंट के बाद उस नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेड हमने डैश 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 के थ्रू दिखा दिया है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास में पॉइंट के बाद में बार वाला नंबर हो और आप बार को रिमूव करके पॉइंट के बाद उस नंबर को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेड दिखा दोगे तो उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लोगे ही लोगे, ठीक है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद में एक सिंगल डिजिट ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अब जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10x और राइट हैंड साइड में आएगा 10 मल्टीप्लाई विद 0.666 एंड सो ऑन। अब आपने एक बात ध्यान से याद रखनी है कि जब भी हम 10 से किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये डेसिमल पॉइंट होता है वो एक राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो जब हम 10 से 0.666 डैश 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है वो एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, और लेफ्ट में 10x तो है ही है। स्टूडेंट्स, अब एक बात आपने ध्यान से याद रखना है, अगर हमारे पास में पॉइंट के बाद में एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में वो सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा और वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तब उस केस में हम उस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट को एक राइट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद में दो डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में वो दो डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, तब हम उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट को दो राइट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट को दो राइट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद में तीन डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो जब हम बार को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में तीन डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होंगे, तब हम उस केस में 1000 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट को तीन राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट के बाद में एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट के बाद में दो डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही अगर पॉइंट के बाद में तीन डिजिट पर बार लगा हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपने इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से याद भी रखना है। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, 10x को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 6.666 एंड सो ऑन। हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666
666 एंड सो ऑन। हमने 6.666 डैश 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 को यहां पर ब्रेक करके लिख लिया है 6+0.666 डैश डैश डैश, क्योंकि जब हम 6 के साथ में 0.666 डैश 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 को ऐड करेंगे तो वापस से 6.666 डैश 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 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 10x को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पहले यहां पर 6 है, फिर है प्लस और आगे है 0.666 डैश डैश डैश, और हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने 0.666 डैश 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 को सपोज किया हुआ है x। ठीक है, इसलिए हम 0.666 डैश 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 की जगह पर x को पुट आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हम 0.666 डैश 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 की जगह पर x को पुट आउट करेंगे तो यहां पर आएगा x। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर राइट हैंड साइड में प्लस x है, तो जब हम राइट हैंड साइड से प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x। ठीक है, 10x लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से प्लस x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये 10x माइनस x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा 6। ठीक है, तो जब हम 10x में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 9x और इज इक्वल टू 6 तो है ये। अब यहां पर 9 x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो x हो जाएगा 6/9, 9 मल्टीप्लाई से यहां डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2 जो होता है 6 और 3 3 जो होता है 9 तो x आ जाएगा 2/3। अब यहां पर हमारा x आ गया 2/3 और x हमने सपोज किया था 0.6 बार को, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। तो हमने 0.6 बार को P/Q फॉर्म पे ले आए और वो आया 2/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो हम पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे उसके बाद में सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो नंबर हमें दिया हुआ है वो है 0.001 बार, 001 पर बार लगा हुआ है, तो हम 0.001 बार को यहां पर x सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, 001 पर बार लगा हुआ है। तो जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो हमारा x आएगा 0.001001 एंड सो ऑन। अब यहां पर पॉइंट के बाद में बार वाले नंबर्स हैं तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x है तो ये बन जाएगा 1000x, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1000x। अब यहां पर इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, तो जब हम राइट हैंड साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 मल्टीप्लाई विद 0.001001 एंड सो ऑन। और जब हम 1000 से किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये पॉइंट होता है वो 3 राइट को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तब ये आ जाएगा हमारा 001.001001 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में 1000x तो है ही है, 001 होता है, इसलिए हम इन दो जीरोस को रिमूव करके इसको लिख सकते हैं 1.001001 एंड सो ऑन। अब हम इस नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं 1+0.001001 एंड सो ऑन। हमने पॉइंट के आगे वाले नंबर को तो यहां पर लिख लिया और पॉइंट के बाद वाले नंबर को यहां पर लिख लिया, तो हमने इस नंबर को ब्रेक करके यहां पर लिख लिया 1+0.001001 एंड सो ऑन। हम जब 1 को 0.001001 एंड सो ऑन के साथ में ऐड करेंगे तो ये
1.001001 एंड सो ऑन बन जाएगा। इसलिए हमने इस नंबर को ब्रेक करके यहां पर ये लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में है 1000x, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1000x लिख लेते हैं, फिर इज इक्वल टू को भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वन है वन भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्लस है प्लस भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास में है 0.001001 एंड सो ऑन, और हमने इक्वेशन वन में 0.001001 एंड सो ऑन को x सपोज किया हुआ है, इसलिए हम इसकी जगह पे 0.001001 एंड सो ऑन की जगह पर x पुट अप कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने 0.001001 एंड सो ऑन को यहां पर x पुट अप कर दिया, और तब हमारे पास में आया 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1000x है, तो जब x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 1000x में से x माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा 1। x होता है 1x, तो जब हम 1000x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 999x, और राइट हैंड साइड में 1 तो है ही है। अब यहां पर 999x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 999 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से यहां डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारे पास में x आएगा 1/999। यहां पर हमने x का वैल्यू निकाला है 1/999, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने 0.001 बार को x सपोज किया हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि 0.001 बार का वैल्यू आया है 1/999। तो यहां पर हमने 0.001 बार को p/q फॉर्म में लिख लिया है और वो आया है 1/999। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 0.4 एंड बार ऑन 7, तो हम इस नंबर को यहां पर x सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4 एंड बार ऑन 7, तो जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो हमारा x हो जाएगा 0.4777 एंड सो ऑन, और ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद में एक सिंगल नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा हुआ था, तो हम इस सिंगल नंबर को पॉइंट के लेफ्ट में लाएंगे। इसके लिए हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x है तो ये हो जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड में आएगा 10 मल्टीप्लाई विद 0.4777 एंड सो ऑन। और जब भी हम किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये पॉइंट होता है वो एक राइट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तभी आएगा 4.777 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में 10x तो है ही है। चलिए अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए पहले इक्वेशन सेकेंड को यहां पर लिखते हैं। इक्वेशन सेकेंड है 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, तो आएगा x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा। हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो नीचे नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहां पर प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर है प्लस 0.4777 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा माइनस 0.4777 एंड सो ऑन। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर भी इनफाइनाइट टाइम 7 यहां पर है, यहां पर भी इनफाइनाइट टाइम 7 यहां पर है,
तो जब हम इनफाइनाइट टाइम 7 से इनफाइनाइट टाइम 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर इनफाइनाइट टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 7 से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 3। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे। 4 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। राइट हैंड साइड को तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 10x माइनस एक्स, माइनस एक्स 1x तो होता ही है, तो जब हम 10x में से 1x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9x। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 9x। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल पॉइंट वाले नंबरों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए, तब सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास में आया है 9x is equals to 4.3000 and so on। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में आया है 9x is equals to 4.3000 and so on। जब भी हमारे पास में डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो तो जो एक्सट्रीम राइट में जीरोस होते हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 9x is equals to 4.3। अब यहां पर 9x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारा x आएगा 4.3 अपॉन 9। तो हमारा x आ गया है 4.3 अपॉन 9। अब जब हम न्यूमरेटर में से पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर पॉइंट के बाद में दो नंबर होते हैं तो हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के बाद में तीन नंबर होते हैं तो हम डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक्स बन गया है 43 अपॉन 90। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 0.47 बार को एक्स सपोज किया हुआ था तो हम एक्स की जगह पे लिखेंगे 0.47 बार और राइट हैंड साइड में 43 अपॉन 90 तो है ही है। तो यहां पर हमने निकाल करके दिखाया 0.47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90 होगा। हमने 0.47 बार को p अपॉन q फॉर्म पे यहां पर लिखा है 43 अपॉन 90। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।